चंदा आपन चिरल बिया, आवचे के खोपड़िया फिरल बिया। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, प्रेम एनोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वाला टाइटल अच्छा लगा हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैंने एक और टाइटल सोचा था, पानी चढ़ावे टुल्लू से, भतार छुपल है पल्लू से, ये सोचा था। फिर दूसरा मिल गया तो मैंने दूसरा लिख दिया, सोचा आपको बता देती हूँ। चलिए आज फिर से चलते हैं छोटंका बाद वाली छोटू गली में, छोटू लोगों के पास। मैंने आपको पहले ही दो वीडियोस में बता दिया था कि छोटू लोगों ने नए नए क्या कांड किए हैं, कांड यानी क्राइम किए हैं, उनके कांड से लोग भड़क गए हैं। अच्छा, मैंने उन लोगों को तो बताया था कि उन्होंने कौन से कांड करे हैं, और इनको भी बताया था कि उन कांड की वजह से जो लोग भड़के हैं उनको किस तरह से कोशिश की जा सकती है कि लोग शांत हो जाएं। पर अपनी मादा छोटू है कि कुछ स्टेप्स, ढंग के स्टेप्स लेने के लिए रेडी नहीं हो रही है। तो जो अपोजिट पार्टी वाले लोग हैं वो कह रहे हैं, वो उतावले हो रहे हैं स्टेप्स लेने के लिए। तो रिसेंटली अपनी आउचे के पास एक कॉमेंट आया है जिसमें कॉमेंट करने वाले ने ये बोला है कि मादा छोटू, तुमने अच्छा किया, तुमने अपनी गलती आइडेंटिफाई करी और उसके लिए तुमने माफ़ी मांगी। वैसे अगर माफ़ी नर छोटू मांगते तो ज़्यादा अच्छा लगता, तुमने मांगी, अच्छा लगा। तो आहुचा को लगा कि आहुचा के जलवे चल चुके हैं। आगे जलवे बिखेरते हुए आहुचा ने थूक भरा मुँह में, गला भारी करा और कॉमेंट लिखा, थैंक यू सो मच, औरतों की दर्द, औरतों की तकलीफें आप तो जानते ही हैं कि एक औरत के लिए उसके पति की इज्जत सर्वोपरि होती है। मैं और मेरे पति दो जिस्म एक जान हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी या मैंने माफ़ी मांगी, बात तो एक ही है। आपने देखा, उन्होंने जान की गलती नहीं की। हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। और कुछ लोग को देखिए, गिरे हुए को उठा नहीं रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शुक्रिया। वैसे अपने आउचिया ने जिसके कमेंट में रिप्लाई किया था, उन्होंने इस कमेंट के बाद फिर से उनको रिप्लाई किया और कहा कि उनको लगता है कि माफी नर छोटू को ही मांगनी चाहिए थी, ना कि पत्नी के पीछे छिप, पल्लू के पीछे छिप जाना चाहिए था। एक्चुअली ये कमेंट जो था वो पूरा का पूरा अंग्रेजी में लिखा गया था, तो मुझे नहीं लगता कि आउचिया को समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया आसान भाषा में। मैं उपरोक्त वार्तालाप में मादा छोटू द्वारा उपयोग किए गए तर्क की तरफ आप लोग सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मादा छोटू ने बोला कि वो दोनों नर और मादा एक ही हैं, माफी ये मांगे या वो मांगे बात एक ही है। ये तो वही बात हो गई ना दोस्तों कि हगा एक ने धोई किसी और की गई, एक ही बात है। अब ठीक है, अगर मादा छोटू ने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कांधों पर उठा ली है, तो आई होप कि जो एक्शन स्टेप्स लेना चाहते हैं इस कांड के लिए, तो वो पूरा का पूरा जो एक्शन होगा वो मादा छोटू की तरफ से ही होगा, तब मादा छोटू कन्नी काट के भाग नहीं जाएंगी। आवचा ने तर्क दिया है कि उन्होंने ये गलती, ये बात, ये शब्द जान के नहीं उपयोग किया, ये गलती से हो गया। मतलब ये बोल रहे हैं कि इनके मुंह से गालियां झड़ती रहती हैं, अपशब्द झड़ते रहते हैं और जो सामने पड़ जाता है उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। मतलब ये भी निकलता है कि ये नॉर्मल रूटीन दिनचर्या में इस प्रकार के शब्द अपशब्द का उपयोग करते हैं, इसलिए इनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि इनके मुँह से क्या निकला है, और वो शायद इसलिए ही एडिट भी नहीं हुआ। ये नॉर्मल रूटीन का एक हिस्सा था, जिस तरह से वो शूट हुआ एडिट नहीं हो पाया और हम सबको भी सुनने को मिला। आउचिया फिर अपने तर्क में ये भी बोली है कि एक मादा के लिए उसके नर की इज्जत सर्वोपरि होती है। अब हम लोगों ने ना जाने असंख्य बार, कितनी ही बार नर छोटू को अपनी मादा छोटू के हाथों कितनी बार बेइज्जत होते सरे आम सरे शाम देखा है। चलती हुई लाइव में नर छोटू की पिटाई सबको याद है, और जाने ये खासकर ये मादा छोटू जो है नर छोटू को अक्सर नीचा दिखाने के लिहाज से रंग भेदी, जो स्किन कलर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे रिलेटेड वर्ड्स यूज करती है। मतलब काला गोला टाइप के ये लोग ऐसी बातें करते हैं आपस में, और इसके लिए इन्होंने रील्स भी बनाई हुई हैं ढेर सारी। मतलब इनके लिए ये जो इन्होंने कास्ट बेस्ड ये वर्ड यूज करा है ये तो नॉर्मल है ही, स्किन कलर से रिलेटेड जो ये नीचा दिखाया जाता है ये भी इनके घर में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। अब देखिए कितने प्योर प्योर माल है ये चिलम चाटो के लिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई त्वचा के रंग की वजह से भेदभाव करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी हमारे देश में कानून बन चुके हैं, बने हुए हैं। पर चूंकि नर को रोटी भी खानी है, घर में रहना भी है, तो इस वजह से कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं है अपनी मादा पर। इज्जत से याद आया, ये वही मादा छोटू है जिसने अपने नर छोटू की विवाह उपरांत पराई स्त्री के संग
संबंधों को हवा दी थी। और वो पराई स्त्री कोई और नहीं, इनके ही घर की एक अविवाहित कन्या थी, इनके रिश्तेदारी में आती है वो। जब मादा छोटू ने नर छोटू के इस संबंध को लेकर हवा उड़ाई थी तो लोगों ने असंख्य कमेंट करे थे, नर छोटू को लेकर भी और उस कन्या को लेकर भी। बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स थे जो पढ़कर अच्छे नहीं लग रहे थे। अपने खिलाफ एक भी कमेंट ना रखने वाली मादा छोटू ने उन सारे कमेंट्स को वहीं रहने दिया, क्योंकि मादा छोटू को ललक थी चर्चा में आने के लिए, वायरल होने के लिए, चाहे इन चक्करों में नर छोटू की इज्जत के फालूदे ही क्यों ना हो जाएं। अभी नर छोटू और मादा छोटू में भारी भिड़ंत हुई थी, अभी अभी रिसेंटली हुई थी, और इस बात का ढिंढोरा जो कई दिनों तक चली थी, और इस बात का ढिंढोरा अपनी मादा छोटू ने स्वयं चीख चीख कर पीटा था, और कई नर विरोधी रील्स और ब्लॉग्स बनाकर यूट्यूब पर डाले थे, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें डाली थी। उनमें से एक रील में मादा यहाँ तक बोल गई थी, तो देख अब मैं तुझे ठीक करूँगी। इज्जत भी देखिए इनकी गलती की, अपने स्वयं की हुई गलती की माफ़ी मांगते हुए कम हो जा रही है। मैंने आपको बताया ही था इनकी नाक बड़े बड़े शूरवीरों से भी ज्यादा ऊंची है। आपने अमूमन देखा होगा जब इस तरह की गलती किसी से हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो वो बिना किसी बट किंतु परंतु के एक प्लेन सी माफी मांग के बात को रफा दफा करते हैं, जल्दी से खत्म कर देते हैं। इन्होंने जनता पर भारी एहसान करा, अपनी बीवी को आगे करके माफी मंगवा दी और खुद छुप के बैठ गई। ये वही नर हैं जो अपनी बीवी के खुली डोरी वाले पूरे पूरे व्लॉग्स वीडियोस रील्स बना बना कर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर डलवाते हैं, चलवाते हैं। बीवी को बोलते हैं तू उछल, और जब वो उछल रही होती है तो उसका वीडियो बना के ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं। लाल बिंदी लाइव्स में कैमरा के आगे बीवी के साथ बैठकर ये दूसरी महिला को, अधिकतर महिलाओं को, कचरा कबाड़ कूड़ा जैसी उपाधियां देते हैं और संबोधित करते हैं। इनको शर्म आ रही है माफी मांगने में, इनकी इज्जत जा रही है। इसके अलावा आपने देखा था वो बैकलेस मसाज वाला जो वीडियो था, वो भी पूरी तरह से इसी सिद्ध पुरुष ने शूट किया था। अच्छा, आप लोगों को वो बिना पजामी वाला लाइव तो याद ही होगा, सबसे फेमस लाइव है यूट्यूब की हिस्ट्री में। उस वाले यूट्यूब की हिस्ट्री वाले लाइव में ये नर छोटू भी मौजूद थे। मतलब समझ लीजिए कि मादा छोटू हो सकता है भूल गई हो, लेकिन नर छोटू को भी नजर नहीं आया कि पहनी है कि नहीं पहनी है, ऐसे कमाल के हैं ये। अच्छा, आपको वो वाले चंदा मांगने वाले लाइव्स याद हैं? वही वाले लाइव जिनमें ये दोनों नर और मादा छोटू अपने असली छोटू को पकड़कर रात के 2-3 बजे 10-15 दिन के छोटू को पकड़कर ये रात में 10-20-50 रुपए के चंदा लिया करते थे लोगों से जमा करके। उस वाले लाइव में भी ये महापुरुष पाए जाते थे। इसके अलावा इनके पिताजी, नर छोटू के पिताजी की भी बेइज्जती अपनी मादा छोटू ने स्पेशल वीडियो बना बनाकर की हुई है, वो भी जाने दीजिए। बड़े भैया की बेइज्जती भी मादा छोटू ने स्पेशल वीडियो बना के की है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि उनकी बेटी बेटियां और बीवी को ब्लॉग में ना लाया जाए। तो हमारे आवचा को बेहद गुस्सा आया और उसने स्पेशल ब्लॉग बनाकर दुनिया को बता दिया कितने बुरे हैं ये लोग। इसके अलावा इन दोनों छोटुओं ने अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को अपने घर में इनवाइट किया था, एड्रेस भेजा था, तभी वो उनके घर में गए थे। बाद में कुछ और बोला था लेकिन मुझे नहीं पता कि एड्रेस क्यों दिया था अगर वो नहीं चाहती थी कि वो आए, लेकिन उनको घर में बुलाया। और हाँ, एडवांस में उनसे गिफ्टा भी बटोर लिए थे उन्होंने, साड़ियाँ कुछ सामान वगैरह। खुद ही दिखाती थी कि मेरे को ये भेजा, मुझे वो भेजा, ऐसे दिखाती थी, सामान बटोरा, फिर घर बुलाया, फिर कुछ पंगा हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका आपस में कोई झगड़ा हो गया और फोन में ये झगड़ा कर रहे थे और मादा छोटू ने रिकॉर्डिंग करी सब्सक्राइबर से कि वो कुछ बोल रहे हैं और ये कुछ बोल रहे हैं। तो उसी वाली रिकॉर्डिंग में इनको सब्सक्राइबर्स के खिलाफ दिखाना था कि वो लोग बुरे लोग हैं, लेकिन उसी रिकॉर्डिंग में ये अपने नर छोटू, ये महापुरुष, उन एक बुजुर्ग महिला को गालियां बरसाते हुए पाए गए थे। ये वही महापुरुष हैं जिनको अपने ही द्वारा कहे गए अपशब्द के लिए माफी मांगने में शर्म आ रही है, उनकी इज्जत घटी जा रही है। इनकी शिकायत है, इनका तर्क है कि ये गिर पड़े हैं और इनको लोग उठा नहीं रहे, हंस रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो मैंने वीडियो बनाया था हंसने से ज्यादा इनके फेवर के लिए बनाया था। मैंने उसमें बताया था कि ये कैसे लोगों के गुस्से को शांत कर सकते हैं और अपने लिए कुछ एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। ये इनका मौका था, अच्छा मौका दिया था और मैंने आइडिया भी दिया था। अब देखिए, ये हमारी गिर पड़ी है तो मैं हाथ ही दे सकती हूँ उठाने के लिए, पूरा का पूरा कंधे पे गोदी में उठा के तो मैं चलूंगी नहीं। देखो, गलती खुद करी है तो माफी खुद मांगनी पड़ेगी, मेरे माफी मांगने से कुछ होगा नहीं। ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि इनका ये वाला पंगा रफा दफा होगा ना तो एहसान मेरे ऊपर हो जाएगा, ये इनका ऐसा एटीट्यूड चल रहा है आजकल। ये है छोटंकाबाद की मादा छोटू, जिनको उनके चिलम
चाट प्यार से प्योर माल, सो प्योर 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 माल, प्यार हाँ प्योर माल बुलाते हैं, ये वो है। अच्छा कहीं चिल्लम चाट इनकी बातों में तो नहीं आ गई? मैडम जी ने कहा था कि एक दिन वो ये गलती की वजह से एक दिन वो इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने पूरा एक दिन बिलोग नहीं मनाया। तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं था, ये पार्लर गई हुई थी, पार्लर में बैठी हुई थी हेयर एक्सटेंशंस करवाने फ्री में, लेकिन उसने मना कर दिया फ्री में नहीं करेंगे। तो मैडम जी ने आके बुराई कर दी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चेता देना चाहती हूँ कि जिस चीज़ की बुराई अपने मुख से खुद कर देती हैं, स्वयं कर देती हैं, वो काम ये डेफिनेटली करती हैं, चाहे कुछ मन से बात करें। अच्छा अगर इन्हीं लोगों के लॉजिक के हिसाब से हम आगे बढ़े तो इनके हिसाब से बात यह है कि अपनी ही गलती की माफी मांगे तो इज्जत खत्म हो जाती है। चले मान लेते हैं, तो फिर नर ने अपनी गलती ठीक करवाने के लिए मादा को आगे क्यों कर दिया कि तुम जाके माफी मांगो? उसकी इज्जत की परवाह क्यों नहीं की? क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि पति अपनी इज्जत बचाने के लिए पत्नियों को आगे नहीं करा करते हैं, वो खुद खड़े हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन ठीक है इनका चल रहा होगा कुछ ऐसा। और वो जो लोग हैं अपोजिट पार्टी वाले वो भी देख रहे हैं, उसी हिसाब से वो भी अपने स्टेप्स ले लेंगे। अब हमें तो पता नहीं, देखिए ये जाने वो जाने, हमने तो अच्छे के लिए ही उनको गिरने से उठाने के लिए इनको अच्छी ही सलाह दी थी। चलिए छोड़ते हैं छोटू लोगों को, वो अपने आप देख लेंगे अपोजिट पार्टी वाले उन्हें। अब बिना देरी करे चलते हैं। अंधेरों की राजकुमारी, झूठों की शहजादी, डकारों की महारानी, चंद्र प्रकाश इमरजेंटी वालों की तरफ। देखिए इनका आउच एंड बाकी की कंपनी जो है वो 99.99% झूठ पे चलती है, और अपनी चंद्र प्रकाश जो है वो 101% झूठ पे चल रही हैं। इनकी कहानी शुरू करने से पहले हम अपनी अर्जी डालना चाहते हैं बेताल दरबार में कि इनके भी कंटेंटों के कागजात देखे जाएं। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत लापरवाही, ये लापरवाही की भी देवी है, लापरवाही बहुत करती हैं ये। अब जैसे कि देख लीजिए कि इनके कंटेंटू आगमन को पूरे 5 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके नवजात शिशु बिलोक्स चल रहे हैं। और ये चंद्र प्रकाश लापरवाही के लिए बहुत मशहूर है। आपको याद होगा हम सार्वजनिक चिट्ठी लिखा करते थे इनको बहुत पहले कि आप अपना स्कैन करा लो, आपके जो है चिकित्सक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, आपके स्कैन होना है, बहुत ज़रूरी स्कैन आपका मिस हो रहा है, जी जी करवा लो। कम से कम 20 से 30 बार इनको मैंने याद दिलाया था हमारे प्रेम न्यूरोलॉजी चैनल पर, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया, मिस कर दिया तो मिस कर दिया, मौज में जी रही थी। अब उसी स्कैन के लिए बाद में रोने बैठती हैं। अब रोती हैं, वो मुझसे हुई बड़ी गलती, ये मिस हो गया, वही मैं अब मैं क्या करूं, मतलब अभी तक भुगत रही हैं और ये अपने मुंह से मान चुकी हैं कि वो लापरवाही जो तब हुई थी उसकी वजह से ये आज भुगत रही हैं। फिर मैं नहीं चाहते कि 2-3 माह के बाद फिर से बैठ के रोएं और फिर एक ब्लॉग बनाए, उसमें फिर से टाइटल डाले हुई मुझसे बहुत बड़ी गलती, मिस कर दिया मैंने एक ज़रूरी स्कैन पीआर करने के चक्कर में, या फिर कुछ सालों बाद विद्यालय के भेजते समय ये फिर से रोएं, कुछ ब्लॉग बनाए और बहुत सारे टाइटल थंबनेल तरह तरह के फोटो लगाए, विद्यालय वालों ने इमरजेंटी में दौड़ाया, हुई मुझसे एक ऐसी दर्दनाक गलती, हाय मैं क्या करूं, उई मैं क्या करूं, दर्द में फूट फूट के रोई। रियल 3 AM विद्यालय ब्लॉग्स, विद्यालय जाने की रूटीन, ये वो, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो आगे जाके, इमरजेंटी अब इमरजेंटी और ना रहे, इमरजेंटियों में और ना रहे, दुखों में और ना रहे, और कागजात टाइम पे बनवा ले और सबको दिखा ले। अच्छा माझा तो टॉडलर ने देखिए, जब इनको दर्द हुआ, इनको तकलीफ हुई, इनके दंत पंक्तियों में चिकित्सा कराने की जरूरत हुई, तो बिना ब्रेक लिए डेली पहुंच जाते हैं चिकित्सक के पास, दंत चिकित्सक के पास। लेकिन कंटेंटो के स्कैन के लिए ना चंद्र प्रकाश के पास समय निकल पा रहा है, ना माझा द टॉडलर के पास समय निकल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? लापरवाही से याद आया दोस्तों, इनका जो वो जुड़वा बच्चे थे, जुड़वा बच्चे जो हैं इनके बड़े वाले, वो गायब हो गए हैं दोनों के दोनों। पहले एक गायब था, अब शायद दोनों गायब हो चुके हैं। क्यों? ध्यान दीजिए, आज के बिलोग में, चंद्र प्रकाश के बिलोग में, ये जो जुड़वा बच्चा के दोस्त लोग हैं, मतलब कुछ जुड़वा बच्चा के दोस्त सेम स्पीसीज, मतलब कुत्ते नीचे से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, अपने दोस्तों को आवाज़ दे रहे थे ऊपर, ए याहू, ए गोजा, ऐसे आवाज़ दे रहे थे, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जुड़वा बच्चन के साथ में रहते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, हम बोलते हैं एक रहता है, लेकिन एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया आज, जबकि ये इम्पॉसिबल है। आप जानते हैं ये लोग दोस्ती यारी इतनी निभाते हैं कि जरा सी चू से चाँव हो जाए, सो रहे हैं तो जाके जवाब देते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है याद करने वाला कि जो इनका एक्चुअली में इनके साथ इनका बड़ा बालक रहता था, बड़ा बेटा रह रहा था, वो जहाँ पे सोता था वहाँ पे उसको हटा के वहाँ पे कंटेंटू की खटिया लगा दी है, जो इन्होंने सेटअप करी थी वहाँ अलमारी के सामने। उन्होंने बोला भाई तो खुलेगी नहीं अलमारी, तो जिद में पहले कुछ टाइम वहाँ रखे रखी, लेकिन अब बच्चे बालक को वहाँ से हटा के, बड़े बच्चों को वहाँ से हटा के इस वाले कंटेंटों की इन्होंने खटिया वहाँ पे लगा दी है खिड़की के पास। मैं कहना चाहती हूँ लापरवाही की देवी, खिड़की के पास ना सुलाया करो, भले ही खिड़की बंद हो, लेकिन हवा झर्रियों में से साइड में से आती है, थोड़ा सा
थोड़ा सा नरम दिल करो अपना। और जुड़वा बच्चे कहाँ गए ये ज़रूर बताना, क्योंकि अब दोनों गायब हो गए हैं। अब उनके चूँ से चाँ खर्राटों की आवाज़ कुछ नहीं आ रही है। और सबको ज्ञान बांटने वाली है चंद्र प्रकाश देवी, प्लीज़ कृपा कृपा करो, बेबी रॉकर को वाइब्रेटर मत बोला करो। इतना गूगल करती हो, एक बार वाइब्रेटर को गूगल तो करो, फिर तुम समझ जाओगे हम क्यों मना करते हैं। ये मत बोला करो हमने कंटेंटों को वाइब्रेटर पे रख दिया, प्लीज़ प्लीज़ वो बेबी रॉकर होता है प्लीज़। अच्छा एक मज़ेदार बात याद करिए, ध्यान दीजिए, जब ये अपने माझा द टॉडलर अपनी चिकित्सा पहली बार करवाने गए थे, दंत चिकित्सा पहली बार करवाने गए थे, तो इन्होंने पूरी क्लिप्स बनाई थी। डेंटिस्ट का पूरा एक हाथ इनके मुंह के अंदर था, तब भी इनके हाथ से कैमरा नहीं छूट रहा था, क्लिप्स बनती जा रही थी। इसके बाद जब ये चिकित्सा करा के बाहर आए तो इन्होंने बताया कि इनके एक तरफ का जबड़ा सुन कर दिया गया था, उसमें प्रोसीजर हुआ था, उसको सुन किया गया था एनेस्थीसिया डाल के, एनेस्थीसिया डाला हुआ था, लेकिन तब भी माझा द टॉडलर टपर टपर पटर पटर करके ब्लॉगिंग करे ही जा रहे थे। यही नहीं, इसके अलावा जब वो घर आए, घर आके इस ट्रीटमेंट के बाद एनेस्थीसिया के बाद उन्होंने पराठे खाए, राजमा खाया, गाजर का हलवा खाया, एक चीज़ कुछ और थी वो भी खाया। इसके अलावा भी दर्द चल रहा, अभी भी चिकित्सा रोज होती है, अभी भी पराठे खाए, दाल खाई, बैंगन का भरता खाया, चावल खाए, रोटी खाई। माझा द टॉडलर की ये दंत चिकित्सा के दौरान एक्टिविटीज़ और डाइट देख के हमको ये पता चला कि केवल चंद्र प्रकाश के पास ही ये जादुई तिलस्मी ताकतें नहीं हैं, अपने माझा द टॉडलर के पास भी ये जादुई शैतानी तिलस्मी ताकतें हैं जो वो इस्तेमाल करते रहते हैं। वरना देखिए नॉर्मली लोग ऐसा कुछ कर नहीं पाते। अपनी लोमड़ को भी दांत में दर्द हुआ था तो वो भी बेचारी डाइटिंग पे चली गई थी, मतलब भूखी थी और पानी पूरी तैयार थी कल खाने के लिए। वैसे चंद्र प्रकाश जी ने रोटियां ये बोल के बनाई थी कि ये दोनों जो बच्चे हैं इनके जुड़वा बच्चे उनके लिए बनाई है, लेकिन वो वहां पे रखी हुई थी रोटियां, वहां पे रखी हुई थी जी। जब आप ये रोटियां सेकते हुए फुलाते हुए ये बोल देते हो कि दोनों जुड़वा बच्चों के लिए रोटियां बन रही हैं, तो क्यों ना जब उनको चुर रही होती है उनको देने के लिए, तो वो भी करके दिखा दिया करो ना, उनको खाते हुए भी दिखा दिया करो, हमको संतुष्टि मिल जाएगी कि आपके साथ ही हैं। हम चाहते हैं आपके दोनों जुड़वा बच्चों को हम रोज खाते हुए पलते बढ़ते बड़े होते हुए देखें, जैसे कि हम आपके असली कंटेंटों को देख रहे हैं। डायपर भी आप उसको कैमरे के आगे ही बदल रही हैं, तो उन दोनों को खाना खिला दिया कीजिए, क्या परेशानी है आपको। हमारी अपनी चंद्र प्रकाश, पर्सनल चंद्र प्रकाश जी जिनने 540वीं बार एक बार फिर से नवजात शिशु बिलोग्स, प्रेगनेंसी बिलोग्स का एक रूटीन, डेली रूटीन करके बोलती हैं कि शूट करके दिखाया, सिर्फ चिलम चाटो की भलाई के लिए दिखाया था। उन्होंने लिखा है 9 AM to 3 AM, हाँ ऐसा ही लिखा है। तो हम जानना चाहते हैं कि 9 AM से पहले कंटेंट किधर था, सो रहा था मत बोलिएगा, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हैं कि वो जल्दी जाग जाता है। और 3 AM का तो उन्होंने खैर कुछ भी नहीं दिखाया था, 1:30 बजे के उन्होंने टाइम दिखाया था फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पर। इस प्रकार से आप लोग भी देखिए, ध्यान से देखिए, मेरा रूटीन भी आप देखिए, आपका पूरा हक है। देखिए देखिए 3:02 हो रहे हैं, दिख रहा है ना आपको 3:02 हो रहे हैं, दिखा ना आपको, है ना। और देखिए अंधेरा हो रहा है बाहर, खिड़की के बाहर देखिए, मैंने आपके लिए स्पेशली खोली है, अंधेरा हो रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है दोस्तों, सुबह है कि 3 बजे बैठ कर मेरा डेली रूटीन है आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाने, वीडियो बनाने, ये सब पंचायत वगैरह लगाती हूँ मैं 3 बजे सुबह के, देख लीजिए, मान लीजिए ना, नहीं नहीं शक मत कीजिए, देखिए देखिए फोन दिखा दिया ना मैंने, सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। अच्छा आज हमें चंद्र प्रकाश जी सिर्फ इसलिए याद आए क्योंकि इन्होंने 545वीं बार अपना चीरा एक्सपीरियंस शेयर करा है हम सबके साथ। ये वही वाला चीरा है जो इन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी कुर्ता उठा के, ये कुर्ता उठा के खड़ी हुई थी और कह रही थी देखो मेरा चीरा। ये बात अलग है कि चीरा कहीं नजर नहीं आया था, इन्होंने पूरा दिखाने की कोशिश करी थी, फिर कह रही थी चीरा उसके भी नीचे है। अब मैं बता दूं दोस्तों, जितना दिख रहा था उसके नीचे वो वाला प्लेस आ जाता है जो हमारी चोखा का फेवरेट हैकिंग प्लेस हुआ करता है, यानी कि यो। तो हम ये कहना चाहते हैं जीजी वहाँ पे चीरा नहीं लगाते चिकित्सक, वहाँ पे नेचुरल चीरा होता है। क्योंकि देखिए जीजी इस चीरे को लेकर हर बार नए नए एक्सपीरियंस लाती है, नई नई बातें बताती हैं, अक्सर उसमें दर्द होता है, खुजली होती है, परेशानी होती है, घबराहट होती है। तो हम कहते हैं जीजी अस्पताल से इस चीरे का भी कागजा मिलता है, स्पेशल लिखा होता है चीरा लगा था, ऐसा कागजा मिलता है, क्यों ना आप वो वाला जो कागजा है वो उसी तरह यहाँ ऐसे साइड में लगा दीजिए, जब भी आपको याद आए आपको एक्सपीरियंस बताना है चीरा एक्सपीरियंस,
वो कागजा इधर साइड में लगा देने का, क्योंकि आप तो वैसे भी एक्सपर्ट हैं, आपको कोई कमेंट पसंद नहीं आता है तो उसका भी आप फोटो लगा के दो तीन घड़ियाली आंसू बहा ही लेती हैं, तो चीरा का कागजा भी जरूर लगाइए। तो दो कागजा है ना जीजी, आप हमारे मुंह पे फेंक के मारिए, क्योंकि आपने बिना मांगे हमारे मुंह पे इतनी सारी रिपोर्ट कागजा दुनिया भर की दवाइयों के पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ है, तो क्यों ना ये दो कागजा जो अभी मिसिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट वाले कागजा हैं आज के जमाने में, वो वाले भी आप हमारे मुंह पे मार दीजिए बस। और दर्शकों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि जब तक अपने चंद्र प्रकाश जी ये दो स्पेशल कागजा नहीं दिखाते तब तक आप उनके वीडियो को मिसलीडिंग में डाल सकते हैं। क्यों मिसलीडिंग में है वो आगे आपको पता चल जाएगा। अभी फिर चंद्र प्रकाश जी ने एकदम नई खोज कर डाली, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नाम की, ये अपने चिलम चाटों को ज्ञान बांट रही थी। मैं इनसे गुजारिश करूंगी गूगल की शहजादी से, ये शहजादी है अभी तक, महारानी हमारी चोखा ही है, तो इनसे मैं गुजारिश करूंगी पहले एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होते क्या है इस बार गूगल करके खुद ही पढ़ लें, क्योंकि ये बता रही थी अपने चलम चाटों के इन्होंने पूरे 4 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाई है और कुछ नहीं। तो मैं बता दूं ये जो डेली ब्लॉगिंग के नाम पर कचरा फेंकती है यूट्यूब पर, उसी में इन्होंने कम से कम 100 अलग अलग ब्लॉग्स में, कम से कम 100 उसमें अलग अलग ब्लॉग्स में इन्होंने बताया है कि ये रात में फॉर्मूला पिलाती हैं अपने कंटेंट को। इसके अलावा ये त्योहार मनाते हुए कभी गणेश चतुर्थी पे बाहर नाचते हुए नजर आए, करवा चौथ पे ये मेकअप करती हुई नजर आए, मतलब बिजी पर्सनालिटी पीआर वगैरह करती हुई नजर आई, जब उस दौरान ये शूटिंग करती है तो ये फॉर्मूला पिलाती हैं, खुद बताया इन्होंने। इसके अलावा जब ये शॉपिंग करने जाती हैं 2-3 घंटे के लिए सासू माँ के पास छोड़कर, तो क्या उस टाइम पर ये भूखा रखती होंगी। इसके अलावा अलग अलग ब्लॉग्स में ये अलग अलग कारणों से बोल के फॉर्मूला पिलाती हुई नजर आई है। तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि हमेशा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए, बीच बीच में फॉर्मूला ना पिलाया जाए, उसको नहीं बोलते हैं, मतलब रात में आप डेली फॉर्मूला देके नहीं बोल सकते हैं कि हमने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई है। प्रॉब्लम फॉर्मूला फीडिंग में बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ज्ञान वो महिला दे रही है जिसने कभी खुद नहीं करवाई है, उसको डेफिनेशन पता नहीं है, वो लोगों को मिसलीड कर रही है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है। ये अपना एक और एक्सपीरियंस बताते हुए अपने चिलम चाटों के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हुए उनको नहला रही थी, और कुछ तो ये ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का कुछ कनेक्शन बता रही थी और एक्सपीरियंस में कुछ का कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरे पास इनका पूरा रिकॉर्ड है। मैंने तभी पोस्ट करके इनको याद भी बताया था कि आपका सारा का सारा मासिक धर्म जो आप बताती हैं हमको, हम लोगों को याद है जीजी, आपका पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है हमने, इसके बावजूद इन्होंने पता नहीं अभी क्या क्या बता डाला। देखिए इनके डेली ब्लॉगिंग उस टाइम के हिसाब से इनका जो चार्ट था उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, पढ़ के बता देती हूँ। 12 अगस्त को ये बालकनी में खड़ी हुई थी और उन्होंने वहीं पे खड़े खड़े ऐलान किया था शी वॉज स्टिल ब्लीडिंग फ्रॉम चीरा कटिंग। 18 सितंबर को जीजी ने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी थी, मतलब ठीक ठाक हो गई थी ये। जब इन्होंने स्विमिंग पूल पे छलांग मारी थी तो सब लोगों ने उनसे बोला जीजी आपके चीरे का क्या होगा, तो जीजी को याद आया कि चीरा लगा है, तो जीजी ने फिर जीजी के चीरे में फिर खुजली वगैरह हो गई थी, इन्फेक्शन भी हो गया था, और जब ये जांच कराने गई थी चिकित्सक के पास तो PID भी पकड़ा गया था उस टाइम। उसके बाद 17 सितंबर को इनको खुजली हुई और फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई थी और ना जाने क्या क्या हुआ था। 22 को ये सड़कों पर ढोलों पर नाचती हुई नजर आई। अच्छा अभी जो रिसेंट एक्सपीरियंस इन्होंने बताया था उसमें ये बोल रही थी कि बहुत तकलीफ में थी ये, बहुत दर्द, भयानक दर्द होता था, भयानक तरीके से बता रही थी, मतलब बहुत पस्त हो जाती थी। लेकिन ये मैं मत बताया ना आपको, 22 को ये 22 सितंबर को ये सड़कों पर ढोल पर नाच रही थी और उससे पहले कमरों में नाच रही थी ढोलों पर, तो खूब नाच गा रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी, नाच कैसे रही होंगी बेचारी। फिर 4 अक्टूबर को अचानक से सुसु किट पकड़ के खड़ी हो गई और बोल रही थी कि हमको चेक करना पड़ेगा। देखिए चेक तभी करना पड़ेगा जब आप ऐसे काम करेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आया 10 दिन के अंदर ऐसा हो कैसे गया। सोचिए आप 22 को पता नहीं कब इनका रुका होगा, गणेश चतुर्थी भी चल रही थी, मतलब जो गणेश जी घर में होते हैं तो ये सब काम नहीं हुए जाते हैं सामने, क्योंकि गणेश जी के सामने जमीन पर सोया जाता। और फिर चलिए 22 को हो गया सब, है ना, उसके बाद इन्होंने 22 को ही सब इनका आपस में मिलन समारोह हुआ। तो फिर मतलब सोचिए 22 को ही हुआ और 10 दिन के अंदर इतनी नौबत आ गई कि चेक करना पड़ रहा है, ये कैसे हो कि कैसे पॉसिबल कैसे है ये समझ में नहीं आया मेरे को। तो खैर ये मैं फिर तभी कहती हूँ ना, तिलस्मी शक्तियां जिनके पास होती हैं उनको कोई समझ नहीं पाता है। इन्हें तिलस्मी ताकतों और ये एक्सपीरियंसेस की वजह से इनके पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को मैं हमेशा ही इनके नल एक्सपीरियंस में डाल देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था इनके क्या क्या एक्सपीरियंस, मैंने इनका मतलब इनको मेरे थैंकफुल होना चाहिए, कब से एक्सपीरियंस बता रही हैं और कब से मैं इनका परफेक्ट कराने में लगी हूँ, परफेक्ट है कि होता ही नहीं है इनका एक्सपीरियंस, तो नल में इसलिए डाल दी, इसलिए कि कागजा पहले हम देखेंगे। जिस जिन इतने कागजा दिखाए हैं तो
ये वाले कागजा दिखा दें, नहीं तो फिर समझ लीजिए मिसलीडिंग ही चल रहा है अभी तक। वैसे मैं जिज्जी से, चंद्र प्रकाश जिज्जी से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। ये जो जिज्जी टैग्स लगा रही है, हैशटैग्स लगा रही है, नवजात शिशु बिलोग्स, ये कब तक चलेगा? क्योंकि जो नवजात फेज, मैं बताती हूँ गूगल की शहजादी, एक चीज़ और गूगल करना, जो नवजात फेज चल रही होती है वो 2 मंथ तक चलती है। बहुत खींचतान कर ली आपने तो 3 मंथ तक चला सकते हैं। इसके बाद जो चलती है वो इन्फेंट स्टेज कहलाती है, न्यू बॉर्न स्टेज खत्म हो जाती है, इन्फेंट स्टेज चलती है पूरे 1 साल तक। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। और प्रेगनेंसी व्लॉग्स, ये जो प्रेगनेंसी व्लॉग्स है ये कब तक चलेगा आपका? ये मतलब आप अभी भी हैं, मतलब 12 महीने रहेंगे आप, कॉन्स्टेंट रहेंगे अब, क्या चक्कर है ये? इसको जरा सुधारिए। मैं जानती हूँ कि आपको फ़ायदा हो रहा है उससे, लेकिन थोड़ा लालच कम कीजिए, इतने पाप मत कीजिए। ये जो आप ब्रेस्ट फीडिंग का भी वीडियो बनाते हैं, ये भी समझ में आ रहा है क्यों हैशटैग्स टैग्स की वजह से बना। अंत में हमारी चंदा जी ने बनाई है पानी पूरी, पूरी जैसी। जी जी, मैंने डाल दी है रेसिपी आपके लिए, आप उसको देखे बनाइएगा, जरूर कुरकुरे वाले बनेंगे। खैर, इन्होंने वो बनाए और बनाते हुए बोली, मैं तो कभी बाहर ये चटपटे आइटम्स नहीं खाती हूँ, बाहर पता नहीं कैसे मसाले डालेंगे, पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ हुआ होगा, पता नहीं कैसे पानी में भरा होगा, उफ मैं बाहर नहीं खाती हूँ। लेकिन यही चंदा जी जी अभी पिछले हफ्ते अपने कंटेंटों का स्कैन कराने के लिए निकली थी, लेकिन निकली घूमने थी, घूमते घूमते इन्होंने छोले भटूरे और चटपटी चाउमीन खाई थी। तो हम चंदा जी से ये जानना चाहते हैं कि वो छोले क्या रोस्टेड छोले थे या भटूरे स्टीम में पके हुए थे या नूडल्स बस बॉइल्ड मिली थी, उसमें मसाले वसाले नहीं थे क्या, क्या था वो? जानने के लिए देखते रहिए प्रेम इन लॉजी चैनल। पुत्र ने तो हमको सब्सक्राइब कर ही लिया है, आप कब करेंगे? जल्दी कीजिए। और लाइक कम होते जा रहे हैं, लाइक, मैंने आपसे एक ही चीज़ मांगी है, लाइक बढ़ाइए, नहीं तो फिर आप जानते हैं फिर मैं गायब हो जाऊंगी। लाइक बढ़ाइए, जो पीछे वाली वीडियोज में आप भूल चुके हैं लाइक बढ़ाना, उसमें अभी जाके अभी के अभी बढ़ा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार, बाय।